मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अब रुझान आना शुरू हो गए, जिसके चलते गोवा में 8 कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी दिवस मनाने पर भी जमकर आड़े हाथ लिया। उनने कर्ज माफ नहीं किए थे, किसानों को डिफॉल्टर किया था उनने, और ये कर्ज माफी का नारा देकर जितना नुकसान कांग्रेस और कमलनाथ ने किसानों का किया है, इतना नुकसान तो कभी कोई कर ही नहीं सकता। आज मध्य प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हो गए, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस उसके बावजूद भी झूठ बोलने और धोखा देने पे आमादा है। फिर कह रहे हैं कि आगे और कर देंगे। कमलनाथ जी, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब कोई भी जो 33 लाख किसान आपने डिफॉल्टर किए हैं, उनमें से कोई भी आपके मुगालते में नहीं आएगा, बल्कि ये सारे किसान जो आप बेसुरा राग अलाप रहे हो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। चर्चा से भागते क्यों, मैं आज तक नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं है कल वाली चर्चा की बात, मैं पिछले लगातार 3 साल के सत्रों की बात कर रहा हूं, किसी चर्चा में भाग नहीं लिया। ऐसा क्यों किया बताएं, कम से कम आप सबके माध्यम से जनता के बीच तो जाए। हमने कहा कि वित्त मंत्री जी अपना वक्तव्य पढ़ दें, आप बोलो, आपके बाद और कोई बोलना चाहे वो बोलें, और इसके बाद अगर आप चाहते हो 139 पर चर्चा हो या स्थगन पर, तो अपन बात कर लेते हैं, उस पर भी हम तैयार हैं। चर्चा को तैयार नहीं होते, बहाना मिलते ही हो, ये समझ में नहीं आया विपक्षियों का कि विधानसभा के अंदर हो करते हैं, और जब सड़क पर आ जाते हैं तो चर्चा करने लगते हैं। चर्चा का स्थान फ्लोर कौन सा है विधानसभा, वहां चर्चा नहीं करते। उनकी यात्रा के रुझान आना प्रारंभ हो गए हैं। तीसरा रुझान कल गोवा का आया है, 8 कांग्रेस के विधायक, इसके पहले गुलाम नबी आजाद जहां पहुंचनी है यात्रा जम्मू कश्मीर के, वो छोड़ चुके हैं। आनंद शर्मा पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, लगातार रुझानों का क्रम जारी है। ये सोले की यात्रा जैसी है कि आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ।